हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ में थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री हम कर रहे थे। अब स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज में, जो सेक्शन 11.9 आपको दिया हुआ है, विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 490। ठीक है बच्चों, तो ये हम करेंगे और टॉपिक क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ठीक है, बट उससे पहले बता दूं, जो बच्चे नए चैनल पे पहुंचे हैं, बच्चों थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री अगर आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, पार्ट वन से देखिए मेरे चैनल पे जाके, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा। पार्ट वन से देखिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, इस बात का प्रॉमिस है। बट पार्ट वन से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, टफ चैप्टर है, बट बहुत अच्छी तरीके से मैंने चीज़ें समझाई हुई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। टॉपिक का नाम है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। अब क्या होगा बच्चों, समझो, स्पेस में आपको कोई प्लेन दिया हुआ है, ठीक है ना, ये देखिए, ये स्पेस में आपको कोई प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, यानी कि प्लेन फिक्स है और किसी पॉइंट, कोई पॉइंट दे दिया, प्लेन तो फिक्स है और कोई भी पॉइंट दे दिया जाएगा स्पेस में, उस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है बच्चों, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक प्लेन दिया होगा जो कि फिक्स है स्पेस में, प्लेन फिक्स है और कोई भी पॉइंट, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, कोई भी एक पॉइंट दे जाएगा, इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी होगी। इसलिए टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, टॉपिक का नाम है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। अब देखिए इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए इसका वेक्टर फॉर्म करेंगे। कार्टेशियन तो हम वैसे भी अक्सर नहीं करते हैं, ठीक है, कार्टेशियन अगर दिया होगा तो उसको पहले वेक्टर बना के हम हैंडल कर लेंगे, जैसा कि हमें पता है, सभी बच्चे जानते हैं ये बात, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, फिर से हम लेते हैं एक क्या, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये देखिए, हमने लिया एक्स, वाई और जेड, ओके बच्चों। अब ध्यान दें, मैंने आपको बोला था एक प्लेन आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो सपोज 3D स्पेस में एक प्लेन है और इस प्लेन का नाम है सपोज पाई वन, ठीक है। ये देखिए, ये फर्स्ट प्लेन हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है, और ये प्लेन है पाई वन, इस प्लेन का नाम है पाई वन, ये फिक्स प्लेन है बच्चों। कौन सा है, ये फिक्स प्लेन है, ओके। ये जो प्लेन है स्टूडेंट्स पाई वन, ठीक है, इसकी इक्वेशन दी हुई है हमें, ठीक है, इस प्लेन, क्योंकि प्लेन फिक्स है, प्लेन पता है, तो इस प्लेन की इक्वेशन भी आपको पता होगी, ओके। तो इस प्लेन की इक्वेशन है, सपोज प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट प्लेन है इसकी इक्वेशन है, ठीक है, अगर ये इसकी इक्वेशन है तो एन कैप क्या है, एन कैप इस प्लेन का, फर्स्ट प्लेन जो है, ठीक है, इस प्लेन का यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, ध्यान दें, एन कैप फर्स्ट प्लेन का यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, यानी कि ये वेक्टर कुछ ऐसा होगा, देखिए जरा, यानी कि इसकी लेंथ 1 होगी और ये यहाँ पर इस प्लेन पे नॉर्मल होगा, ठीक है। अब अगर ये r डॉट n कैप टाइप का है बच्चों, इस फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन, तो ये d, आपको याद है कई बार मैंने बताया, जब यहाँ पर n कैप होता है तो ये d परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, कहाँ से, ओरिजिन से। तो देखिए ये ब्लू मार्कर से मैं फर्स्ट प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा हूँ, कहाँ से, ओरिजिन से। तो ये देखिए, ये ओरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फर्स्ट प्लेन की, तो ले लेते हैं सपोज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d, ओके, तो ये ओरिजिन है और ये ओरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस प्लेन की, ये है कितनी, स्मॉल डी, क्योंकि आपको इक्वेशन दी हुई है आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी, ठीक है बच्चों। और इस प्लेन पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ओरिजिन से आती है, सपोज किसी पॉइंट एन पे एंड होती है, किस पे, एन पे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब ये आप इसको कुछ और भी नाम दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना समझ में आ गया, कोई प्लेन है पाई वन, फिक्स है वो, इसकी इक्वेशन है वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल्स टू d, और जब प्लेन की इक्वेशन में स्टूडेंट्स n कैप होता है तो ये d क्या होता है, ये d ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब हमने आपको क्या बोला था कि यहाँ पर प्लेन फिक्स रहेगा और इस प्लेन से किसी पॉइंट की, या किसी पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस निकालनी होगी, ओके, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो सपोज कोई पॉइंट P है, ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ये कोई पॉइंट P आपको दिया हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट P के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x1, y1, z1, ठीक है, तो इस पॉइंट से आपको यहाँ की डिस्टेंस निकालनी है इस प्लेन की, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये देखिए, यही डिस्टेंस होगी पॉइंट P की इस प्लेन से, क्या होगी ये डिस्टेंस, PQ होगी, ठीक है। ये सब 3D में चल रहा है बच्चों, ये आगे यहाँ 90 बनाएगा, ठीक है, PQ, अरे प्लेन ऐसे होगा ना, ये वाला प्लेन ऐसे है पाई वन, और इधर P है, और ये रहा PQ, ठीक है, और Q के जस्ट नीचे ये पॉइंट N है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है वो ऐसे आ रहा है इस प्लेन पे, तो एन यहाँ नीचे है और क्यू यहाँ ऊपर है, और पॉइंट पी से हमको इसकी डिस्टेंस निकालनी थी, यानी कि आपको पी क्यू निकालना है बच्चों, क्या निकालना है आपको, पी क्यू निकालना है, ठीक है। अब समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, देखिए ये जो पॉइंट पी,
यहां से बहुत सारे प्लेन जा रहे होंगे इस पॉइंट पी से, एक पॉइंट से कितने प्लेन जा सकते हैं, एक पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट पी है यहां से बहुत सारे प्लेन जा रहे होंगे, लेकिन हम एक ऐसा प्लेन लेने जा रहे हैं जो प्लेन फर्स्ट गिवन प्लेन जो था, जो कि फिक्स प्लेन था, उसके पैरेलल है, ठीक है बच्चों। फिर से सुन लीजिए, जिस पॉइंट से आपको इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है उस पॉइंट से आपको बहुत सारे प्लेन आप वहां से खींच सकते हो, लेकिन आप एक ऐसा प्लेन लेने जा रहे हो जिस प्लेन की खासियत है वो प्लेन फर्स्ट वाले प्लेन के पैरेलल होगा। तो समझो अगर फर्स्ट वाला प्लेन ऐसा है तो ये जो सेकंड प्लेन अभी आप बनाने जा रहे हो जो कि यहां पॉइंट पी से पास होगा, ये सेकंड प्लेन है, ये फर्स्ट प्लेन जो है ये वाला फर्स्ट प्लेन इसके पैरेलल है, पैरेलल होना चाहिए। तो एक प्लेन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहां से एक प्लेन ड्रॉ करेंगे जो कि पॉइंट पी से पास करेगा, बस उसकी खासियत है वो पाई वन के पैरेलल है। तो ये देखिए, ये एक हमने यहां से ये पॉइंट पी है, ध्यान रखिएगा, ये एक प्लेन हमने बनाया और ये प्लेन पी से पास कर रहा है और इस प्लेन का नाम है सपोज कितना, पाई टू, और प्लेन जो पाई वन है वो पाई टू के पैरेलल है, या पाई टू पैरेलल है किसके, पाई वन के। अब स्टूडेंट्स ध्यान दें जरा, देखिए ये दोनों प्लेन अगर पैरेलल है, ठीक, ये फर्स्ट रहा और ये सेकंड, तो फर्स्ट प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर था, नॉर्मल यूनिट वेक्टर था, ये जो इस पे नॉर्मल होगा वो इस पे भी नॉर्मल होगा क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो अगर एन कैप फर्स्ट प्लेन का यूनिट नॉर्मल वेक्टर था तो आप एन कैप को सेकंड प्लेन का भी यूनिट नॉर्मल वेक्टर बोल सकते हो बच्चों। तो सेकंड प्लेन का भी यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया, एन कैप हो गया, क्योंकि ये दोनों प्लेन कैसे हैं आपस में, पैरेलल है। इतना तक हो गया, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, सेकंड प्लेन जो कि आपने ड्रॉ किया है प्लेन फर्स्ट के पैरेलल, वो पॉइंट पी से पास कर रहा है तो पॉइंट पी का एक पोजीशन वेक्टर होगा और इसी पॉइंट पी से हमको पाई वन प्लेन की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर सपोज ए वन है या ए है, कुछ भी बोल दो आप, बुक में ए लिखा हुआ है, हम ए ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान दें, मैं आपको एक पुराना टॉपिक याद दिलाना चाहता हूँ जो कि हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो हमने पीछे पढ़ा हुआ है सेक्शन 11.6.2 में, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट, वो मैं आपको याद दिला देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास कर रहा हो, दिए गए वेक्टर के नॉर्मल हो या कोई उसका नॉर्मल वेक्टर दिया हो, उसकी इक्वेशन होती थी आर माइनस ए डॉट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू जीरो। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं बच्चों, ये एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन है जो प्लेन कहां से पास करता है, किसी पॉइंट से, एक पॉइंट से पास करता है जिसका पोजीशन वेक्टर ए और उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है, एन है। मैं आपको एक डायग्राम भी बना के दिखा देता हूं तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों विजुलाइज इसमें आपको करना पड़ेगा, है ना, पेशेंस रखना होगा, ये आसानी से तो होगा नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए याद करिए, ये कोई प्लेन होता था और इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दिया रहता था, एनसीईआरटी खोल लो, रिवाइज कर लो पीछे से 11.6.2 सेक्शन, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर एन होता था और ये प्लेन कहां से पास होता था, किसी पॉइंट ए से पास होता था और ए का पोजीशन वेक्टर क्या होता था, ए। तो ऐसे प्लेन की इक्वेशन क्या आती थी, आर माइनस ए डॉट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू जीरो, ऐसी आती थी। तो आप यहां पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्या यही सिचुएशन नहीं है, जो प्लेन पाई टू है ये एक पॉइंट से पास कर रहा है कहां से, पी से, जैसे कि ये प्लेन कहां से पास करता था, ए से, और ए का पोजीशन वेक्टर ए होता था, और ये वाला प्लेन कहां से पास कर रहा है, पी से, और पी का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए, और ये पॉइंट पी क्या होगा बच्चों, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा एक्स वन वाई वन और जेड वन, इसी पॉइंट से आपको प्लेन वन की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो प्लेन पाई टू की इक्वेशन क्या होगी इस फॉर्मूले से, क्या होगी ध्यान से चेक करिए, प्लेन पाई टू कहां से पास कर रहा है, पॉइंट पी से, मैं लिख सकता हूं यहां पे कि पाई टू प्लेन पासेस थ्रू व्हाट, पासेस थ्रू पॉइंट पी, ये पॉइंट पी से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए, ओके बच्चों, और इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर भी आपको दिया हुआ है, नॉर्मल वेक्टर तो नहीं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है क्या, एन कैप, ठीक है बच्चों। तो अब मैं क्या नहीं बोल सकता हूं कि प्लेन पाई टू की इक्वेशन क्या होगी, यहां से देखिए जरा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई टू, ये वाले कॉन्सेप्ट से, एक पॉइंट से पास करने वाले और प्लेन के नॉर्मल वेक्टर जब दिया हो तो उसकी इक्वेशन ऐसी होती है। तो ध्यान से चेक करो, हमारे प्लेन पाई टू की इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर माइनस ए, आर तो क्या होता है, कॉमन पोजिशन वैक्टर होता है, ए, ए क्या है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट से प्लेन जा रहा है,
तो प्लेन कहां से जा रहा है, पी से, तो पी का पोजिशन वेक्टर क्या है, ए है डॉट। अब ध्यान से समझिए जरा बच्चों, इस प्लेन का नॉर्मल यूनिट वेक्टर कितना है, एन कैप है। तो यहां आप वेक्टर एन की जगह क्या रखोगे, आप एन कैप रख दोगे, तो यहां एन कैप इज इक्वल्स टू जीरो हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम करते हैं सॉल्व। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, डॉट प्रोडक्ट अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ये हमको पता है, तो ये एन डॉट इसके साथ लेगा और एन डॉट इसके साथ भी लेगा, यानी कि ये हो जाएगा आर डॉट वेक्टर एन माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। ठीक है, इसने इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट लिया और इसके आर के साथ भी लिया, ए के साथ भी लिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो। अब ध्यान दें, आर डॉट एन कैप इसको राइट में भेज दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर राइट में जाके क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स फिर से आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है समझिए जरा बात को, कि ये इक्वेशन आ गई किसकी, ये इक्वेशन आ गई प्लेन पाई टू की। लेकिन अगर आपको याद हो, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, किसी प्लेन की इक्वेशन बच्चों ऐसे ही तो होती थी, याद है आपको, आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी होती थी, याद है, जब किसी, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, जब किसी प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होता था ओरिजिन से, तो ये डी क्या होता था बच्चों, ये होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और ये एन कैप क्या होता था, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता था प्लेन पे, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। सुनो बच्चों, अभी आपने प्लेन पाई टू की इक्वेशन निकाली, ऐसे ही आ गई। अब इसका मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, याद कराता हूं आपको कि ये क्या चीज थी। देखिए इसको हटाते हैं यहां से, देखिए जब कोई प्लेन होता था और उस प्लेन का हमको नॉर्मल यूनिट वेक्टर दिया रहता था और उस प्लेन पे ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया रहता था, तो इस प्लेन का इक्वेशन ऐसा आता था। ध्यान से चेक करो कि अगर हम प्लेन पाई टू के इक्वेशन को देखें तो बच्चों LHS तो बिल्कुल मैच कर रहा है और RHS क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d। और ध्यान से देखिए क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d जैसा बिहेव नहीं कर रहा है, क्यों, वेक्टर a और वेक्टर n कैप का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, आपको पता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है, तो भैया ये d जैसा बिहेव कर रहा है, ये मैं लिख देता हूं आपको, ये d जैसा, इससे फील आएगा हिंदी में लिखूंगा, d जैसा बिहेव कर रहा है स्टूडेंट्स। यानी कि समझिए जरा क्या, कि यही जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसका, प्लेन पाई टू का, क्योंकि इक्वेशन आपने किसकी निकाली, प्लेन पाई टू की। कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल चुका है प्लेन पाई टू का, यानी कि अगर मैं चाहूं तो मैं बोल सकता हूं क्या, मैं बोल सकता हूं कि ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, देखिए यही ओरिजिन है, ये ओरिजिन अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट n ले लूं, n डैश ले लूं, यहां पर ध्यान से चेक करिएगा, कोई पॉइंट अगर मैं n डैश ले लूं किस पे, प्लेन पाई टू पे, तो ये देखिए ये ओरिजिन से सेकंड प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था d, और फर्स्ट प्लेन का ये रहा, देखिए ये जो डिस्टेंस है ये सेकंड प्लेन का, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से, यानी कि हम बोल सकते हैं ओ से लेके एन डैश तक ये वाला। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां पर हम लिख सकते हैं कि ओ एन डैश इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। ओके, अब आपको क्या निकालना था बच्चों, और एक चीज और ध्यान से चेक करिए, ये जो एन डैश है, ठीक है, ये एन डैश जो है ये P की सिधाई में, नीचे इसी प्लेन पे P की सिधाई में। ओके बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए, आपको क्या निकालना था, आपको PQ निकालना था। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि PQ कैसे निकालोगे, तो PQ इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करिएगा, ON माइनस ON डैश, ऐसे ही तो आएगा, है ना। सुनो, प्लेन पाई टू का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था उसको मैंने क्या बोल दिया, ON डैश, ठीक है, और यही क्या है, ओ एन डैश। अब जिन बच्चों को नहीं पसंद आ रहा है, सुनो भाई तुम ओ एन डैश मत बोलो ना, तुम ओपी बोल दो, ऐसे तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तो ये रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी, पाई टू की, कहां से, ओरिजिन से, ऐसे बोल दो, क्या दिक्कत हो गया, जो ये है
वही तो ये है, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है पी क्यू, और पी क्यू किसके इक्वल होगा, देखो पी किसकी सिधाई में, एन डैश की सिधाई में, और क्यू किसकी सिधाई में, एन की, यानी कि जो पी क्यू होगा वही एन डैश एन होगा, सही है। तो पी क्यू तुम कैसे निकालोगे, पी क्यू कैसे निकालोगे, ये पूरा माइनस, यानी कि ओ एन में से किसको माइनस करोगे, ओ एन डैश को। ध्यान से चेक कर लीजिए डायग्राम बच्चों, पी क्यू तुमको निकालना है, यानी कि पॉइंट पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी किसकी, पाई वन की। तो पी क्यू आ जाएगा कैसा, ध्यान से चेक करिए, ये जो पी क्यू निकाला है ये आएगा कैसे, ओ एन माइनस ओ एन डैश, इस पूरे में से इसको हटा दो, ओ एन माइनस ओ एन डैश। अब ध्यान से चेक करिएगा जरा, ओ एन क्या था याद करिए, ये देखिए ये याद है आपको, ओ से एन तक ये तो स्मॉल डी था, जो कि प्लेन पाई वन की इक्वेशन में दिया हुआ था, और ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन था। डी क्या है, डी है परपेंडिकुलर ऑफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बल्कि ऑफ प्लेन पाई वन फ्रॉम द ओरिजिन, डी क्या है, डी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन पाई वन फ्रॉम द ओरिजिन। ओके बच्चों, तो अब आप देख सकते हैं कि ओ एन पूरा क्या है, स्मॉल डी, जो कि आपको दिए गए प्लेन की इक्वेशन में मिल सकता है, जो प्लेन फिक्स था पाई वन, माइनस ओ एन डैश क्या है बच्चों, ओ एन डैश अभी अभी आपने निकाला है, क्या है वो, यहां से ये सेकेंड प्लेन जो था, जो कि प्लेन पाई वन के पैरेलल था पाई टू, उस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहां से, ओरिजिन से। ध्यान से चेक कर लीजिए ओ एन डैश, तो ये ओ एन डैश का वैल्यू कितना था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन कैप। अब यही पी क्यू आ गया, यही पी क्यू है, और यही निकालना था आपको, पॉइंट पी से क्यू की डिस्टेंस निकालनी थी, क्यू कहां पड़ा हुआ था, प्लेन पाई वन पे, जो कि फिक्स था। तो इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस पी क्यू कितनी आई, पॉइंट पी से प्लेन पाई वन की डिस्टेंस कितनी आई, पी क्यू आई, और आई कितनी, वो आई वो डी माइनस ए डॉट एन कैप। अब ध्यान से समझिए बच्चों, डी क्या है यहां पर, यहां पर डी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन पाई वन, जो कि फिक्स है, फ्रॉम द ओरिजिन लिखा हुआ है यहां, डी क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन पाई वन फ्रॉम द ओरिजिन। एन कैप क्या है, एन कैप है यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन पाई वन, और ए क्या है बच्चों, ए वो पॉइंट है जिस पॉइंट से आपको, यानी कि पॉइंट पी, क्योंकि पॉइंट पी का ही पोजिशन वैक्टर क्या था, ए, ओके, तो ए वो पॉइंट है या उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट से आपको प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि पी का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अब सुनो बच्चों, पी क्यू एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसका मॉड ले लो, ले लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात, यह आ गया आपका फॉर्मूला पी क्यू का, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम नोट कर लेते हैं, थोड़ा पेशेंट तो पेशेंस रखना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। देखो पी क्यू आ गया आपका कितना, पी क्यू आ गया आपका मॉड ऑफ डी माइनस वेक्टर ए डॉट एन कैप। ठीक है, तो ये किसी पॉइंट पी से दूरी आ गई किसी दिए गए प्लेन की, ये आ गई मॉड, इसलिए ले लिया क्योंकि डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। ये तो आ गया फॉर्मूला, चलो कोई बात नहीं। अब मेरी बात सुनो बच्चों, अगर ये फॉर्मूला आपने कब निकाला, ये फॉर्मूला आपने तब निकाला जब प्लेन पाई वन की इक्वेशन कैसे दी हो, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, जब प्लेन पाई वन की इक्वेशन कैसे दी हो, आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी। ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये प्लेन पाई वन की इक्वेशन है, पाई वन की ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में खास बात ये, एन कैप है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, लेकिन अगर प्लेन पाई वन की इक्वेशन ऐसी ना हो, ऐसी हो जाए, यानी कि वेक्टर आर डॉट यूनिट नॉर्मल वेक्टर ना दे के कोई भी नॉर्मल वेक्टर दे दे, प्लेन पाई वन पे कोई भी नॉर्मल वेक्टर दे दे, एन ऐसे दे दे, ठीक है, तो इक्वेशन बन जाएगी आर डॉट, इसको स्मॉल एन लिख लो, कैपिटल एन लिख लो, कुछ बात नहीं है, दिक्कत लो स्मॉल एन लिख लो, चलो ठीक। तो अगर ऐसी हो जाए प्लेन पाई वन की इक्वेशन, आर डॉट एन इज इक्वल्स टू डी, तो ये डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होता है ओरिजिन से, मैंने कई बार आपको बताया बच्चों, ठीक है। तो उस टाइम ये जो पी क्यू का फॉर्मूला है ये मॉडिफाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये बन जाएगा क्या, पी क्यू इज इक्वल्स टू, ध्यान दें कुछ नहीं करना है आपको, इसी फॉर्मूले में आपको बस डिवाइड लगा देना है, किससे, आपको डिवाइड लगा देना है स्टूडेंट्स मॉड ऑफ एन से, यानी कि ये जो नॉर्मल वेक्टर था इसके मॉड से आप इस फॉर्मूले में डिवाइड लगा दीजिएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आइए दिखाते हैं आपको,
पहली बात तो ये फॉर्मूला मॉडिफाइड हो जाएगा, कैसे हो जाएगा समझो जरा। अच्छा एक बात बताओ, मैं डी माइनस ए डॉट एन कैप लिखूं, इसका मॉड लूं, या मैं ए डॉट एन कैप माइनस डी लिख के इसका मॉड लूं, बात क्या है सेम? क्यों, इसमें से माइनस कॉमन लिया होगा और फिर उसका मॉड ले लिया होगा तो आएगा तो, अरे यार लो लो देखो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ले लिया, मॉड लगा हुआ है ध्यान रखना, तो ये ए डॉट एन कैप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस डी ये, अब मॉड ले लो इसका तो आएगा तो पॉजिटिव ही ना यार, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए डॉट एन कैप माइनस डी ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि नहीं, है ना? तो वही मैं काम कर रहा हूँ क्या, कि आपका फॉर्मूला मॉडिफाइड हो जाएगा कैसा, ए डॉट, अब एन कैप नहीं आएगा, वेक्टर एन आएगा जो कि नॉर्मल वेक्टर होगा प्लेन पाई वन के, माइनस डी मॉड और डिवाइडेड बाय इस एन से हम वेक्टर एन के मॉड से डिवाइड लगा देंगे। कब करेंगे ऐसा बच्चों? ऐसा तब करेंगे हम जब हमको इक्वेशन ये वाली नहीं दी होगी, ऐसी दी होगी, और ये इसमें अंतर आपको पता है, अभी मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा अगर आप भूल गए हो तो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ये एग्जांपल नंबर 24 एनसीईआरटी में दिया है, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिस 2.5, -3। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दें आपको ये पॉइंट P दिया हुआ है, जहां से आपको क्या निकालनी, जहां से आपको डिस्टेंस निकालनी किसकी, प्लेन पाई वन की, तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं बच्चों, क्या 2.5, -3, देखिए 2.5, -3। ओके बच्चों, अच्छा तो अब आप वेक्टर ए बना सकते हो, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर ए होता था, तो चलो ए को बना लेते हैं, ए क्या हो जाएगा ध्यान से चेक करिए, ए हो जाएगा आपके पास 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, ये बन गया बच्चों पोजीशन वेक्टर ए। ओके सही है, अब तो ये तो ए बन गया, कह रहा है कि फ्रॉम द प्लेन दिस, ये प्लेन का इक्वेशन दिया है बच्चों, ध्यान दें इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको क्या दिया हुआ है, ये पूरा दिया इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इस प्लेन में खासियत देखिए बच्चों, ये प्लेन का जो इक्वेशन दिया है या तो वो इस टाइप का होगा या तो वो इस टाइप का होगा, लेकिन अक्सर आपको एग्जाम में बच्चों ये वाला मिलेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। कैसे पहचाना मैंने, अभी पहचानते हैं, समझिए जरा, ये आर डॉट एन मैं यहाँ ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ इसको कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म से, देखिए आर डॉट और ये पूरा क्या है, ये एन वेक्टर है, इज इक्वल्स टू डी, और बच्चों इस टाइम डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, क्यों, ये जो एन वेक्टर है इसका मॉड निकालो, ये देखो ना, मॉड ऑफ नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल्स टू रूट ओवर 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू रूट ओवर 36 प्लस 4 40 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू यूनिट, ये यूनिट के इक्वल नहीं आया है, यानी कि ये एन कैप वाला फॉर्म नहीं है बच्चों, तो ये डी, ये जो 4 लिखा है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और अगर आपको इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाना है तो बोथ साइड आप क्या करोगे, मॉड एन से डिवाइड लगा दोगे। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको 7 से डिवाइड लगा दो तो यहाँ 4/7 हो जाएगा, 4/7 क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इधर भी आप 7 से डिवाइड लगा दीजिएगा तब ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बस अब आपने पहचान लिया कि ये तो यूनिट वेक्टर नहीं था, यानी कि ये नॉर्मल वेक्टर था, कोई भी नॉर्मल वेक्टर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं था, ये कोई भी स्केलर नंबर था, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा बच्चों, ये वाला लगेगा नीचे। ठीक है, तो सपोज ये वाला जो पॉइंट था P, तो हम PQ निकाल लेंगे, यानी कि इस पॉइंट P से प्लेन की डिस्टेंस निकाल लेंगे PQ, और हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं क्या होता है, होता है ये वेक्टर A डॉट वेक्टर N माइनस D अपॉन मॉड ऑफ N, कर लेते हैं इसको। देखिए वेक्टर A क्या है आपका, वेक्टर A ये रहा, यानी कि 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप डॉट n नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर क्या है बच्चों, नॉर्मल वेक्टर है 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। ओके, और मॉड अपॉन में मॉड ऑफ n कितना है 7। ओके, ये आ जाएगा, अब इसको सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो 2 6 जा 12 और 5 × 3 -15 हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, और -3 × 2 -6 मॉड लेंगे अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 12 - 15 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -3 - 3 और -9 -3 और -6 -9 तो ये हो गया -9 और -9 का बच्चों मॉड लोगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9/7 यूनिट्स इज द डिस्टेंस, कुछ गलती बच्चों मेरे से हुई है शायद ऊपर, उसको हम देख लेते हैं। हाँ गलती देखिए हो गई,
गलती ये हो गई, ध्यान से चेक करिए, a डॉट n तो हमने किया, ये रहा a और ये रहा n, लेकिन मैं माइनस d लिखना भूल गया बच्चों, ये गलती ना करें प्लीज़। तो यहाँ माइनस d को भी हम लिखेंगे, और d क्या है जब आप कंपेयर करोगे तो ये रहा आपका d, ठीक है। तो d को हम लिख देते हैं यहाँ पर आगे करके, ठीक है। क्या करना है, माइनस d, तो d कितना है, 4 है, माइनस 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि बस इसमें माइनस 4 और करना था और फिर मॉड लेना था। माइनस 4 माइनस 9 कितना हो जाएगा, माइनस 13, और माइनस 13 का मॉड लोगे बच्चों तो 13/7 यूनिट्स आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, 13/7 यूनिट्स द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को बच्चों मैं एक और तरीके से करके आपको दिखा देता हूँ, समझिए जरा। देखिए, इसमें कोई परेशान नहीं होना है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अभी अभी मैंने आपको बोला था कि आप d माइनस ए डॉट एन कैप से भी निकाल सकते हो, लेकिन उस टाइम इक्वेशन ऐसा होना चाहिए प्लेन का, ऐसा, याद है? तो ऐसा बना लो, नहीं है तो कैसे बनाओगे? ध्यान से चेक करो, जब वेक्टर, जब ऐसा इक्वेशन दिया होता है, r डॉट वेक्टर n, ये वेक्टर n है, ये यूनिट वेक्टर नहीं, नॉर्मल वेक्टर, इज इक्वल्स टू d टाइप का, तो बोथ साइड हम क्या करते हैं, मॉड ऑफ n से डिवाइड लगा देते हैं, और मॉड ऑफ n से जैसे ही आप डिवाइड लगाते हो बच्चों, ये किस में चेंज हो जाता है, d में। और अब इस टाइम d, अरे भाई नंबर अपॉन नंबर एक नंबर होगा, ये नंबर जो होगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, और देखो वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर क्या बन जाएगा, ये यूनिट वेक्टर, यानी कि ये बन जाएगा r डॉट n कैप इज इक्वल्स टू, ये पूरा हो गया d, ऐसी बन जाएगी इक्वेशन। और उस टाइम आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। देखिए कैसे, इसमें उठा के पूरे से आप मॉड ऑफ n यानी कि 7 से डिवाइड लगा दो, तो लगा दो, क्या हो जाएगा, r डॉट, इसमें 7 से लगेगा, इसको भी मिलेगा 7, इसको भी, इसको भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6/7 i कैप माइनस 3/7 j कैप प्लस 2/7 k कैप, और राइट हैंड साइड भी अब लगा दो आप 7 से, ये लगा दिया। अब ध्यान से चेक करो, ये क्या बन गया, ये बन गया r डॉट n कैप, इसका मॉड निकाल लेना, वन आएगा, ये यूनिट वेक्टर बन गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू d, और ये बन गया क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो बस अब PQ कैसे निकलेगा, PQ इज इक्वल्स टू d माइनस a डॉट n कैप, ओके। तो ये आ जाएगा यहाँ से d क्या है बच्चों, सॉरी d वेक्टर नहीं है, d परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कितना है, 4/7 माइनस वेक्टर a तो ये बनाया हुआ यही रहेगा, ये तो 2i प्लस 5j माइनस 3k डॉट n कैप, n कैप ये रहा बच्चों, ये पूरा n कैप है, ठीक है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमको किसके साथ, n कैप के साथ, यानी कि 6/7 i कैप माइनस 3/7 j कैप और प्लस 2/7 k कैप, ओके, ये आ गया, और इसका मॉड लेना था, ठीक। तो ये इसका हमने मॉड ले लिया, अब इसको कर लो सॉल्व, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा, ध्यान से चेक करो, पी क्यू इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 4/7 तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है, माइनस, देखो अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसका, तो डॉट, ये माइनस तो ऐसे रहेगा, डॉट प्रोडक्ट में खुद के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का इससे करो, 2 सिक्स जाए, ये कहते हैं 12/7, तो 12/7 ब्रैकेट में लेना, क्योंकि माइनस लगाया ना तो वो सबको चेंज कर देगा बाद में, 5 × 3 -15/7 -15/7 और -3 और +2 -6/7 ये हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 4/7 और माइनस, अंदर देखो 12 -15 कितना -3 और ये -6 -9/7 आ जाएगा अंदर, और जब आप ब्रैकेट खोल दोगे स्टूडेंट तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/9 4/7 +9/7 इज इक्वल्स टू 13/7 मॉड लोगे इसका तो 13/7 ही आएगा स्टूडेंट्स। आ गया भैया आंसर, जैसे करना हो वैसे कर लो, कर लीजिए इसको। एक्सरसाइज 11.3 का सभी बच्चे एनसीईआरटी खोल लें, क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट दिया हुआ, यानी कि ये पी हो जाएगा, ये x1 y1 z1 हो जाएगा, देखो ये x1 y1 और z1 हो जाएगा, तो पोजीशन वेक्टर a कैसे बनेगा, पोजीशन वेक्टर a बनेगा 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, ये p का पोजीशन वेक्टर बन गया, और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है इस प्लेन की, है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, इस प्लेन को आप कौन से फॉर्म में ले आओ, इस प्लेन को आप ले आओ वेक्टर फॉर्म में, ओके, ये वाले फॉर्म में ले आओ, कैसे लाओगे, ये हो जाएगा r डॉट, सबको पता है ये हो जाएगा 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप इज इक्वल्स टू 3। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दो, यानी कि r डॉट वेक्टर n इज इक्वल्स टू, d टाइप का है ये,
ऐसा है ये, और ध्यान से चेक करो, ये वेक्टर n है, क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ n 1 नहीं है, तो ये वाला फॉर्म नहीं है ये, ठीक है? तो ये हो जाएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हो मॉड ऑफ n स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144, तो सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 25 और 25 प्लस 144 बच्चों कितना होता है, ये 169 होता है, और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, ठीक है ना? ये आ गया आपके पास, तो बस अब कोई दिक्कत नहीं है, जब ये वाला फॉर्म है तो कौन सा लगाते हो फॉर्मूला, ये वाला लगाते हो ना, तो लगा लो इसको, ठीक है? क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन माइनस डी, यानी कि ए तो ये रहा, यानी कि 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप डॉट एन, और एन रहा ये आपका, ठीक है? यानी कि 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप और माइनस डी, ये रहा डी आपका, ओके? ये डी है, माइनस डी अपॉन मॉड ऑफ एन, मॉड ऑफ एन कितना है देखिए ये फॉर्मूले में, मॉड ऑफ एन वेक्टर यानी कि 13 है ये, बस इसको सॉल्व कर लो, डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 0 इंटू 3 0 और 0 इंटू माइनस 4 0, 0 इंटू 12 0, तो यहाँ तो हो जाएगा 0 और बचेगा सिर्फ माइनस 3 अपॉन 13, और मॉड लोगे माइनस 3 का तो 3 अपॉन 13 यूनिट्स इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द गिवन पॉइंट 0,0,0, ओके बच्चों? तो ये आ गया आपके पास, शायद मैंने कुछ इसमें उल्टा कर दिया है, नहीं उल्टा नहीं किया है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है? 3 अपॉन 13 है। चलो इसका पार्ट बी करते हैं बच्चों, अब तो कर सकते हो, पार्ट बी भी कर सकते हो, तो पार्ट बी बच्चों मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है? पार्ट बी आप खुद कर लीजिएगा, पार्ट बी में आपको चलो मैं कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि इसमें जो है पार्ट बी में इन्होंने माइनस थ्री को कहाँ लिखा हुआ है, थ्री को लेफ्ट में लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बताता हूँ मैं आपको कैसे। देखिए ये है आपके पास पार्ट बी में दिया गया पॉइंट है आपके पास 3, -2, 1, यानी कि पॉइंट पी है, यानी कि एक्स वन वाई वन और जेड वन है ये, तो पोजीशन वेक्टर ए आ जाएगा आपका कितना, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस 1 के यानी कि के कैप, और आपको जो प्लेन दिया है स्टूडेंट्स इन्होंने 3, -2, 1, ये तो पॉइंट था, प्लेन था स्टूडेंट्स 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, कोई बात नहीं, सुनो बच्चों परेशान नहीं होना है, मैं बता रहा हूँ आपको, समझो। देखो ना इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, कैसे बता रहा हूँ, देखो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 3 को राइट में भेज दो, क्या जा रहा है आपका बताओ। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, r डॉट 2i कैप माइनस, देखो y के सामने क्या है माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू जे माइनस जे कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल्स टू माइनस 3। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये आ गया कौन से फॉर्म में, r डॉट वेक्टर n इज इक्वल्स टू d टाइप में, जहां पर d परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से नहीं होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर नहीं, ये n है, तो n का मॉड निकालो आप, नॉर्मल वेक्टर का मॉड निकालो, क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 9 विच इज 3 विच इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, और डिस्टेंस तो हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, ये तो कोई स्केलर नंबर है, होगा नेगेटिव, मैं क्या करूँ, ठीक? तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 3 आ जाएगी, ठीक है? ये डी कितना हो जाएगा, माइनस 3, मॉड एन आप निकाल चुके हो, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल्स टू वैक्टर ए डॉट वैक्टर एन, यानी कि ये वाला जो वैक्टर है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप का डॉट प्रोडक्ट लेना है हमको किसके साथ, एन के साथ, और ये रहा एन वेक्टर एन, तो 2i माइनस जे प्लस 2k, ओके? और माइनस का डी, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, माइनस का यहाँ फॉर्मूले में क्या है, माइनस डी, और आपने लिखा माइनस और डी तो खुद ही माइनस का है, तो माइनस जब आप माइनस के बाद माइनस 3 रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और मॉड लगाना है पूरे को, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एन, मॉड ऑफ एन कितना है 3 आया, इसको सॉल्व कर लेना है बस, सब कुछ नहीं करना है, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 और के आगे 1 है, 1 इंटू 2 2 और साथ में क्या है प्लस 3 है, ओके? इस बार ऊपर पॉजिटिव ही आया तो मॉड ऑड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मॉड लेके नेगेटिव होगा तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो होएगा ही पॉजिटिव, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 11, ठीक है? 11 अपॉन, कुछ गलती करी मैंने, 6 प्लस 2 8 प्लस 2
10 प्लस 3 13 होता है, ठीक है, तो 13 अपॉन 3 यूनिट्स आ जाएगा बच्चों आंसर, ठीक है। और इसका जो पार्ट सी है, पार्ट सी आप खुद करें बच्चों, ठीक है, पार्ट सी करके नीचे कमेंट करना कि सर मैंने कर लिया है, ठीक है, करना ज़रूर, बेईमानी मत करना, तभी समझ में आएगा। अब मैं करता हूँ डी पार्ट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो पार्ट डी देखिए स्टूडेंट्स, आपको पॉइंट दिया है 2, 3, -5 और प्लेन का इक्वेशन जो दिया है वो है x प्लस 2y माइनस 2z, सॉरी क्या है गलत कर दिया क्या, 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 6z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और पॉइंट क्या था, पॉइंट था आपका पार्ट डी है भाई ये -6, 0, 0, ये पॉइंट है, बस अब कुछ नहीं करना है, इसको 2 को राइट में भेज दो, तो ये x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल्स टू 2, ओके बच्चों। और इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा क्या, वेक्टर r डॉट, ये n, n कैसे बनेगा x के सामने क्या 1, यानी कि 1 i कैप, 1 इंटू i कैप मतलब i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 6k कैप इज इक्वल्स टू d। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये जो d है वो 2 है, यहाँ पर d क्या है 2 है, और ये जस्ट अ स्केलर नंबर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि ऐसा इक्वेशन नहीं है, एनकैप टाइप का ऐसा इक्वेशन है, क्योंकि चेक कर लो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, कई बार मैंने आपको पीछे बताया। ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, इसका मॉड लेंगे अगर वेक्टर n का मॉड लेंगे तो रूट ओवर 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 ये हो जाएगा रूट ओवर 46, ओके। तो कुछ शायद फिर से गलती हुई है यहाँ पर, ठीक है बच्चों, कुछ गलती यहाँ पर हुई है, क्या प्लेन की इक्वेशन लिखने में हुई है, बिल्कुल प्लेन की इक्वेशन लिखने में हुई, यहाँ 2 था, यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i कैप, तो ये हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 9 प्लस 4 13 प्लस 36 49 हो जाएगा, यहाँ पर 49 का स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा, ओके। तो ये आ गया, अब पी क्यू निकाल सकते हो आप, पी क्यू इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, ए क्या बनेगा, ए बनेगा बच्चों यहाँ से माइनस 6i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, ओके इसको रख दो यहाँ पर a की जगह, कितना माइनस 6i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप और डॉट लेना है किसके साथ, n के साथ, तो ये रहा n आपका, ये रहा यानी कि 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप और माइनस का d करना है, और d क्या है आपका 2 है, तो माइनस का 2 करेंगे डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एन कितना है 7। सॉल्व कर लेंगे बच्चों, जब 0 का 3 के साथ करेंगे 0 का 6 के तो कुछ नहीं आएगा, माइनस 6 इंटू 2 क्या होता है माइनस 12 आ जाएगा यहाँ से, और पीछे बचा माइनस 2 अपॉन 7 और माइनस 12 माइनस 2 माइनस 14 अपॉन 7 और माइनस 14 का बच्चों मॉड लोगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 14, मॉड लोगे तो प्लस हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय 7, 7 बन जाए 7, 7 2 14, तो ये आ गया आपका क्या डिस्टेंस आ गया बच्चों, कौन से पॉइंट से, इस पॉइंट से माइनस 6, 0, 0 से, किसका, इस प्लेन का। तो इस तरीके से बच्चों हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।